नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, रीट भर्ती 2018 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि रीट भर्ती 2018 लेवल 2 वेटेज मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगी है जिसकी सुनवाई कल होनी है। मेरे अनुमान से कल ये याचिका खारिज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो याचिका लगाई है ये कमलेश कुमार मीणा के भाई ने ये याचिका लगाई है। तो दोस्तों, ये जोधपुर हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई है और भर्ती फिर ये अटक गई है कोर्ट में। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि ये कल तक करीब करीब ये खारिज हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए सरकार ने भी अपना मजबूत वकील खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, कमलेश कुमार मीणा का भाई अकेला नहीं, उसके साथ ही 15-20 जने और है, क्योंकि अकेला इतने भारी वकील खड़े नहीं कर सकता। उसने सबसे बड़े वकील 2 वकीलों को खड़ा किया है। तो उसके मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि वो कोर्ट नंबर केस कितना है और कहाँ पे है और वकील कौन कौन से है। तो दोस्तों, वीडियो चलने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना रीट से संबंधित पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान हाईकोर्ट ये जोधपुर में ये जो याचिका लगी है वो लगी है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर याचिका लगी है। और इसमें जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी इसमें जस्टिस है। अब आपको कोर्ट नंबर है वो इसमें मैं दिखा देता हूँ। इसमें कोर्ट नंबर जो है ये अपना कोर्ट नंबर 8 है। और इसकी जो लिस्ट है मैं आपको वो लिस्ट भी इसकी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हो 182 नंबर केस है जो ये केस अपना ये केस है। इसमें कंवर लाल स्टेट ऑफ राजस्थान के खिलाफ इसने ये याचिका लगाई है। और ये इसके जो वकील है वो है तरुण जोशी और महेंद्र कुमार अजमेरा। ये बहुत बड़े वकील है, ये इन्होंने खड़ी की। और सरकार की तरफ से भी ये पीआर सिंह एजी वकील इनके सामने खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो याचिका है मेरे ख्याल से सरकार ने भी अपने मजबूत वकील को खड़ा कर दिया है, इसलिए ये याचिका जल्दी कल ही खारिज हो जाएगी। और ये खारिज होते ही इस चैनल पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो अवश्य करना ही है।